आज आप प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करने ऐडी रेसिपी बनाने तैयार करला जी। एक बार आप बनाने फ्रिज में रख दला तो महीने भर भी खराब नहीं होला। तो राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबरा स्वागत है सा। इन वास्ते आप चार मध्यम आकार प्याज लिए हाँ जिन्हें वजन लगभग 300 ग्राम है। इन प्याज रो ऊपर पान छिलको निकाल लेना है। उन बाद रे मैंने धोने साफ पूछ लेना है। अब इन अपा साइड में रख दे। एक प्याज में आपने बता दूँ किन तरह काटना तैयार करना है। प्याज ने अपने तो दो टुकड़ा में कर इन ऊपर आँख निकाल लियो यहाँ। अब इन अपा पतला पतला काटना तैयार करेला। इन तरह बड़ा लंबा लंबा काटना तैयार करना है। पतला पतला काटना तैयार करना है। जितना पतला पतला काटना तैयार करेला आपकी रेसिपी बहुत जल्दी बनना तैयार हो जावेला। जड़ा रहे वाला तो रेसिपी बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। इन तरह आप सब कांदा ने काटने तैयार कर लिए हाँ। देख बहुत पतला पतला कटने तैयार हो गया। अब आप के मसल ने अलग अलग लच्छा कर लिया वहाँ एक दूसरे को जुड़ जुड़ा नहीं देना। इन तरह का रखकर देखो सारा अलग अलग हो गया। देखो इजीली हो जावेला। अब मैं 25 कलियाँ लहसुन ली हुई हूँ जिसके थोड़ी बड़ी साइज की कलियाँ हैं। आपने कलियाँ छोटी हुए तो आप थोड़ी बत्ती भी ले सको ना। आप लहसुन नहीं खाता हुआ तो आप लहसुन स्किप भी कर सको। अब इन कलियाँ ने अपा काट ले तो काटे रहे पहले अपन के इनमें तो इन तरह चेर का लगा देना। पतला पतला चेर का लगा देना। निको निको पतला पतला कटना तैयार वाला। अब इन अपा इन तरह काट लेवा इजीली कट जावेला। देखो बहुत सारा कटना तैयार हो गया। इन तरह अपन पतला पतला काट लेना है सबाना। इन तरह अपा सब लहसुन ने पतला पतला काटना तैयार कर लिया। बहुत ही अच्छा कटना तैयार हो गया है। अब इन अपा साइड में रख दे। एक पैन रे मैंने अपा 3-4 टेबल स्पून अभी तो तेल डाल दी। आप चाहो तो बद तेल गालने बना सको। मैं 4 टेबल स्पून तेल डाली हूँ। अब आप गैस ने चालू कर दे। अब इन तेल रे मैंने अपा एक कांदा डाल दे। अब जी का अपा लहसुन लिया हाँ। लहसुन इन हाथ नहीं करा ला। लहसुन ने अपा बाद में करा ला क्योंकि दो रह का ये पकने टाइम अलग होया करे। पर कांदा ने इन तरह चलावता रहे जिनको एक सीरी का अपना पकने तैयार रहना। आप चाहो कांदा ने फ्राई करना भी बना सको पर मैं कम तेल दे मैंने बनाना तैयार करूँगा। कम तेल दे मैंने भी आराम वहाँ बनना तैयार होता वाला। अपा इन्हें अलग अलग लच्छा कर लिया जिन कारणों देखा फटाफट पकना तैयार रहला। इन तरह अपना कांदा तैयार हो गया है। लगभग अपा 10 मिनट तक पकाया हाँ। जरे अपना कांदा इन तरह बनना तैयार होया एडो कलर आ जाना सही जाए। कांदा अपना मॉइस्चर कही है निकल जाया करे। अब इन कांदा ने अपा बाहर निकाल लिया। इन रेसिपी वास्ते अपा ने एडो कलर आना जरूरी है। कांदा इन टाइम अपना सॉफ्ट लगता वाला पर कही है थोड़ा सा ठंडा वाला के अपना आप थोड़ा हार्ड हो जाए वाला कांदा थोड़ा क्रिस्पी हो जाया करे। शक्कर वे इनमें कांदा रिके वह कैरेमलाइज हो जाया करे शक्कर नहीं जिन कारण थोड़ा सा सॉफ्ट रहला बारे पर थोड़ी देर हुए हार्ड हो जाए वाला। कम तेल दे मायने अपना फ्राई हो गया नहीं तो कहीं डीप फ्राई करना पड़े अपन डीप फ्राई नहीं करना पड़े। अब इन्हें इस तेल दे मायने अपा जगह लहसुन काटना रखे हैं अभी फ्राई कर ले। अलग अपन तेल डालने जरूरत नहीं जो बचोड़ा तेल है इन मायने फ्राई हो जाएगी। प्याज की तरह अपन लहसुन ने के हड़को जो गोल्डन कलर आया प्याज रहा उन तरह अपने लहसुन रो भी अच्छा कलर आ जाना चाहिए और लगभग थोड़ा सा सूखा दिखना शुरू हो जाए करे। आँच ने अपना इन टाइम धीरे राख नहीं करना नहीं तो लहसुन जल्दी बढ़ जाए करे। एक लहसुन ना देखो फटाफट कलर चेंज हो रहा कि पतला पतला कटोड़ा लहसुन आने न कलर जल्दी चेंज हो जाएगा। भाई लहसुन भी अपना हो गया है। गैस ने बंद कर दे वहाँ कांदा रे साथ ही अपन लहसुन ने भी निकाल देवा। तो अपन 4 टेबल स्पून तेल रे मैंने भी कांदा और लहसुन दो ही फ्राई हो गया है। अब जो लारा तेल बच गया है जिन्हें मैं निकाल लूँ जो अपना सब्जी में मैंने इस्तेमाल कर सका। लारा थोड़ा इस तेल बचोड़ा लगभग 1 टेबल स्पून वजह तेल बचोड़ा ला रहा है। अब इन अपना तेल निकाल लिया हाँ ने इन पैन रे मैंने अपना 1/2 कप वेजी थी चना दाल ली हाँ। चना दाल ने अपना सेक ले वहाँ आ चना दाल धोड़ी है। चना दाल धोने आप सुखा लीजो इन तरह अपना चलाता हुआ सेक ले मैंने। इन्हें अपन तेल में फ्राई करने जरूरत नहीं है आराम सीख जावेला। चना दाल चलाने टाइम छोड़ना नहीं है अपना छोड़े तो कटू बढ़ जा वाला कटू कच्ची रह जा वाला इन्हें मॉइस्चर पूरा निकल जाना चाहिए। बजे को हल्की हल्की खुशबू आने ढूंकी है। इन्हें साथ मैं 1/2 कप पैजी तो उड़द दाल मोगर लिया हूँ। उड़द दाल है अभी मैं डाल दिया वो आधी सीखा रहा पचे डालना ही मैंने कि उड़द दाल थोड़ी छोटी होया करे नहीं वो जल्दी सीख जाया करे। बस चना दाल साथ था अभी सीख जाएगी। आँच ने अपा थोड़ी धीरे कर दी है धीरे आँच से मैंने सेक लिया। उड़द दाल डाले पचा लगभग अपा 1-1.5 मिनट तक सेक गया और देखो सब अच्छी तरह सीख गया है। अब इन अपा पहले मैं निकाल लेना। अब मैं 2 टेबल स्पून वेजता जीरा लिए हूँ और इस मैं डाल दी अपा ने 2 टेबल स्पून वजते साबुत धनिया लिया हूँ अभी मैं डाल दी ने 2 टेबल स्पून वजते अपने तिल लिया ए तिल भी मैं डाल दी। यहाँ सब ने अपा भाई धीरे आँच रहे मैंने सेक लिया हूँ बराबर चलावता रहे उन्हें ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं जी कि एक साथ सीख जाए वाला। यानी सब बार अपना मॉइस्चर निकालना है अच्छी खुशबू आउन ढूंढ जाना है यानी देखो तिल तो चटकना भी शुरू हो गया। यानी धीरे आँच में लगभग 2 मिनट तक पका लिया 2 मिनट में मैंने पूरा मॉइस्चर निकल जाया करे। धीरे धीरे सब बार देखो कलर चेंज होने ढूंढ गया। जीरो भी पक गया है
जीरो रो भी कलर देखो चेंज हो गया, सब्जी खुशबू अच्छी आने शुरू हो जाए। अब इन्हें अपन निकाल लें, बहुत ज़्यादा नहीं पका वाला भाई। इन्हीं साथ अपन पाव कप पे जीती मैं मुपड़ियाँ ली हुई है, कच्ची मुपड़ियाँ हैं यहाँ ना पास सेक लें, मुपड़ियाँ ने अपा बराबर चलाओ तो वहाँ सेक लें। आप कहने बुनड़ी मुपड़ियाँ पड़ी हुआ था वे भी आप ले सको बोले, पर वहाँ थोड़ा मॉइस्चर वगैरह आई हुआ तो सेक ले उन्हें, जिन्हों कही अपन खराब नहीं हुआ चीज़। भाई मुपड़ियाँ चटकनी शुरू हो गई है या मुंडा खुलना शुरू हो गया है, तो मतलब मुपड़ियाँ अपने बहुत जल्दी पक रही है। इन्हें अपने लगभग 2 मिनट में इन्हें पकना तैयार हो गई है। गैस बंद कर दें, इन्हें भी अपन निकाल लें यहाँ से। अब मैं 5-6 डंडियाँ ली हुई है कड़ी पत्ता रही, यहाँ अपन तोड़ दें मैं डाल दें, कड़ी पत्ता ने पर सेक लें वहाँ। कड़ी पत्ते अपना सूखा हो जाना चाहिए, आज तो मैं इन टाइम अभी धीरे जरा की हूँ, धीरे आँच से मैंने सीखना, नहीं तो कड़ी पत्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। कड़ी पत्ता देखो धीरे धीरे सूखा दिखना रो गया है, आवाज़ भी आ रही है कड़ी पत्ता रही, जो आप हाथ में ले देख सको जो कड़ी पत्ता टूट रहा चूरो हो रही है, मतलब अपना सीख गया कड़ी पत्ता। इन तरह चूरो करना देख लें ना, मतलब कड़ी पत्ता अपना अच्छा सीख गया है। अब आप गैस बंद कर दें, कड़ी पत्ता नहीं अपना निकाल लें। अब मैं करीब 20-21 मिर्चा ली हुई हूँ, सूखी मिर्चा है, इन्हें भी अपना थोड़ी सी सेक लें वहाँ। ये तो सूखी मिर्च ही है, हल्की से धीरे आँच में सेक लेना, जो कोई मॉइस्चर वाला जो कोई निकल जा वाला, नहीं तो आप मिर्ची न चाहिए आप थोड़ी देर धूप में भी रख सको, आधा घंटा घंटे भर धूप में रखा ना तो मिर्चा और मॉइस्चर निकल जा वाला, नहीं तो आप इन तरह सेक सको। यदि सूखी मिर्च आपका नहीं वे तो आपने बतौला पचे में आपने किन टाइप अपना मिर्ची का पाउडर डालना है, तो मिर्ची का पाउडर डालने भी तैयार कर सको। मिर्ची भी अपना सीख गई है, आप देख रहे हैं आवाज़ आ रही है मिर्ची की, अब इन मिर्ची ने भी अपना निकाल लिया। अब आप सब चीज़ें ठंडा कर लिया, अब सब चीज़ें आप सेकना और फ्राई करना रखी हैं, वो ठंडी हो गई है, ठंडी हो जाए बाद में मैंने अपना थोड़ा सा मुपड़ियाँ इनको निकाल लिया, उन्हें देखो थोड़ी सी मुपड़ियाँ इन मैंने निकाल ली, अकरा यूज़ करनी है मैं आपने बाद में बताऊँगा। थोड़ा पकड़ी पत्ता भी निकाल लें वहाँ, इन तरह थोड़ा सा निकालना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा प्याज और लहसुन भी निकाल लें। अब आप मिक्सी रो जार लिए, हाँ मिक्सी रो जार रहे मैंने आज के पास सूखी चीज़ें ने सेकी आके यहाँ नहंगो पले पर डाल दिया, यहाँ एक बार आप पीस लें। अब इन्हीं आते अपन मिर्ची ने भी डाल दें, मिर्ची भी नाता था पीसी चाल। अब इन्हें कलर देख रहे आप थोड़ा सा ऑरेंज वजू लाग रही है, इनमें अपन कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दें, तो 1 टेबल स्पून वजती है कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दें, कोई कलर अच्छा आ जाएगा। यदि आपके अंदर साबुत लाल मिर्ची नहीं हुए तो आपने मैं डालने जरूरत नहीं, मिर्ची और पाउडर डाल दीजिए, तो आपने 3 टेबल स्पून मिर्ची और पाउडर डालना है। अब इन्हें अपा पीस लें, इन तरह देखो बहुत ही अच्छी तरह पीसी ने तैयार हो गया अपना, बहुत अच्छा पाउडर बन गया। अब प्याज लहसुन जी का आप फ्राई करना रखे क्या, वे भी इन्हीं साथ अपन पीसना है, पूरे इनमें नावेला नहीं रास्ता पादा निकाल लें वहाँ, आधा आधा करना डालना पीसा अपा, आधा अपन निकाल लें इनमें ना, मैं आधा प्याज लहसुन इनमें अपा डाल दें वहाँ, इन्हें आते अपा पीस लें वहाँ। सब अपना देखो अच्छा पीसीज ने तैयार हो गया, इन तरह अपना पीसीज ने तैयार हो गया। अब इन्हें आप एक बॉल मैंने निकाल लें वहाँ, आप देख पा रहे हो पाउडर की तो अच्छा बनना तैयार हुए है, और दिखने मायने भी बहुत सुंदर लगे, खुशबू तो इन टाइम रही बहुत ही अच्छी आवे। इन तरह दूसरा बैच ने भी पीस लिया और भी इन मायने डाल दी हूँ। अब आप देखे अलग में हाल तक मैं नमक ऐड नहीं करिया हूँ, तो कुछ चीज़ें अपने बाद में ही ऐड करनी है। इन मायने अब छोटा चम्मच वैसी हींग डाल दी हूँ, आपने हींग ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो आप थोड़ी कम डाल दो, मारा हींग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं वास्ते मैं इतनी डाल रही हूँ। इन्हीं साथ 1 टेबल स्पून वैसे नमक डाल दें, तो नमक भी आप स्वाद अनुसार आप कम बतो डाल सको। अब जी की चीज़ें आप बचाने रखी के वे सब इनमें डाल दें, उन्हें सब ने आप अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इन तरह अपना मसाला पाउडर बनना तैयार हो गया है, और मसाला पाउडर आप रोटी के साथ है चावल के साथ है किन्हीं भी साथ है खावा के तो बहुत अच्छा लगे, करे करे अड़ा सब्जी अपना स्वादिष्ट नहीं लगती वे, उन्हें साथ आप लेना खाओ बहुत अच्छी लगेगा। आप गर्म गर्म रोटी ने माता इन्हें लगाने खाओला बहुत बढ़िया लगेगा, आप पूड़ी पराठा बनाने खाओला इनू तो वो भी आपने बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपने बताओ चावल साथ की कर खाऊना है, मैं हमारे घर में मैं नहीं इन तरह गर्मा गर्म चावल लिया करूँ, उन माते अपने एक छोटा चम्मच वजह तो घी डाल दो, नहीं इन मैंने अपना 1 छोटा चम्मच वजह तो मसाला डाल दी, तो मसाला आपने पसंद है साहब वो आप कम बतो डाल सको, इनमें इन तरह सब ने मिक्स कर लिया आप खाओला बहुत अच्छा लगेगा। आपने सब्जी भी जरूरत नहीं पड़िया करें इन पाक की, तो आपने रेसिपी काढ़ी लगी है नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखना मैंने जरूर बताइजो। बेर मिला साढ़े दूजे वीडियो और मैंने, जब तक राम राम सा।